है आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा के समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। जयललिता इस मामले में जेल की सजा काट रही हैं। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए जाने और 4 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए 9 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके प्रमुख ने जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। जयललिता की तत्काल राहत के लिए दलील थी कि उन्हें इस मामले में 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और वे कई बीमारियों से ग्रस्त भी हैं। दिल्ली की अदालत 2010 के धौला कुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 5 दोषियों को आज सजा सुनाएगी। अदालत ने मंगलवार को 5 आरोपियों को 2010 में दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में पूर्वोत्तर निवासी 30 वर्षीय बीपीओ कर्मचारी के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया था। पुलिस के अनुसार दोषियों ने 24 नवंबर 2010 को पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर सुनसान सड़क पर फेंक दिया था। बाद में 5 दोषी हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किए गए थे। सरकार ने देश में आलू की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए पहली बार आलू का आयात करने का निर्णय लिया है। कृषि सचिव आशीष भोगड़ा ने कल कहा कि राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन परिसंघ जल्द ही इसके लिए निविदा जारी करेगा। उन्होंने कहा कि निविदा इसी महीने जारी की जाएगी ताकि आलू अगले महीने तक भारत पहुंच जाए। श्री भोगड़ा ने कहा कि आलू का आयात यूरोप और पाकिस्तान जैसे देशों से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मोबाइल फोन पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना पर काम करने को कहा है। कल नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर प्रशासन पर सम्मेलन में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि डिजिटल प्रणाली के जरिए देश के हर कोने में लोगों तक पहुंचा जाए और डिजिटल इंडिया योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में पहली बार देश के सर्वोच्च सैनिक कमांडर से बातचीत करेंगे। इस बैठक में श्री मोदी अपनी रणनीतिक दृष्टिकोण से अवगत कराएंगे और समग्र सुरक्षा परिदृश्य का विवरण लेंगे। तीनों सैन्य सेवाओं के कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन और चीन से लगी सीमा पर दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा होने की संभावना है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष और वायुसेना प्रमुख अरूप राहत तीनों सेनाओं से संबंधित मुद्दों से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। नौसेना प्रमुख आर के धवन और सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग भी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिदृश्यों का विवरण देंगे। दिन भर के सम्मेलन को रक्षा मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे। अरविंद सुब्रमण्यम को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि आशा, अवसर और गतिशीलता का भाव बना हुआ है और आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की उम्मीद है। अमरीका स्थित अर्थशास्त्री श्री सुब्रमण्यम पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हुदहुद तूफान से फसल नष्ट होने वाले किसानों और मछुआरों के मुआवजे में बढ़ोतरी की है। गन्ने और धान जैसी फसल पर मुआवजा प्रति हेक्टेयर 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। केले की प्रति हेक्टेयर फसल पर मुआवजा 24,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 और आम की फसल पर प्रति हेक्टेयर मुआवजा 15,000 रुपए से 20,000 रुपए किया गया है। राज्य सरकार ने तूफान में नौकाएं और मछलियों के जाल क्षतिग्रस्त होने वाले मछुआरों के लिए भी सहायता बढ़ाई है। तुर्की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह पाने में सफल नहीं हो पाया है। परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए हुए चुनाव में वेनेजुएला, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड और स्पेन को चुना गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
with her grave. Jalalta has stated that she has been sentenced to only 4 years jail in the case, and she is also suffering from various ailments as grounds for her immediate relief. Meanwhile, a petition has been moved in the Supreme Court seeking a direction to shift Jalalta from Bangalore to Central Prison, Chennai. The issue is likely to be raised today when the Apex Court hears the bail plea of Jalalta. The Delhi court will today pronounce the quantum of punishment for the five convicts in the 2010 Dhola Kuan gang rape case. The court on Tuesday had convicted all the five accused of abducting and gang raping a 30-year-old BPO executive from the northeast in South Delhi's Dhola Kuan area in 2010. Additional sessions judge Virendra Bhatt said the court convicted the five accused for the offences of kidnapping, gang rape, criminal intimidation and sharing common intention under the IPC.